हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है प्रमोद। तो दोस्तों, अगर आप वीवो के Y51A के यूज़र हैं ना, तो आपके लिए वीवो ने मार्च के मंथ में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आप भी अगर वीवो Y51A के यूज़र हैं तो फटाफट एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके चेक करिए। हो सकता है कि दोस्तों ये अपडेट आपको मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला तो 2 से 3 दिनों के अंदर ये जो अपडेट है ना, आपके वीवो Y51A में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे कि क्या इसकी साइज़ है, क्या इसका वर्जन है और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला। हाँ दोस्तों, आप लोगों से बहुत सारे लोगों का कमेंट ये भी आ रहा है कि अभी तक वीवो Y51A के सारे यूजर्स को एंड्रॉयड 12 का जो अपडेट है देखने को नहीं मिलेगा, तो कब तक देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फिलहाल आपके वीवो Y51A में क्या नया अपडेट देखने को मिला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये सीनू परमार भाई हैं, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया, इनके Y51A में ये जो अपडेट है वो देखने को मिला है। तो आइए देखते हैं क्या इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। और बात करें दोस्तों Y51A के अपडेट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीवो Y51A का जो ओल्ड वर्जन है वो है 1.73.23। और दोस्तों, जो अपडेट जारी किया गया उसके वर्जन की बात करें तो वो है 1.73.25। और साइज़ की बात करें दोस्तों, 130 MB के आसपास की साइज़ है, तो कोई बहुत बड़ी साइज नहीं है। इसलिए इस अपडेट में कोई एडिशनल फीचर आपके वीवो Y51A में तो देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे ये कह सकते हैं दोस्तों कि इस अपडेट में आपके वीवो Y51A के सिस्टम पे काम किया गया है और सिक्योरिटी पैच के साथ जो भी थोड़ा बहुत बग्स देखने को मिल रहे थे उसको फिक्स कर दिया गया है। और बात करें दोस्तों अपडेट लॉक की, तो अगर आप सिस्टम में जाते हैं तो सबसे पहले आपके फ़ोन के सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है जो कि फरवरी 2022 का है। तो ये काफी अच्छी बात है कि आपके फोन में रेगुलर सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को मिल रहा है। वहीं पे दोस्तों, अगर आप नेटवर्क सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हॉटस्पॉट को लेके कुछ इशू आ रही थी, वो कई बार इनेबल नहीं हो रहा था, उसको यहाँ पे फिक्स करने की बात की गई है। आप देख सकते हैं, फिक्स द इशू वेयर द पर्सनल हॉटस्पॉट ओकेजनली डज नॉट इनेबल्ड। और ब्लूटूथ की बात करें तो ये जो अपडेट है सारे वीवो के फोनों में देखने को मिला है। जो कार किट होता है उसको कनेक्टिविटी में कुछ इशू आ रही थी तो उसको भी फिक्स कर दिया गया है। तो एक तरह से कहा गया दोस्तों कि इसमें कोई एडिशनल फीचर आपके वीवो Y51A में तो देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, जो भी थोड़ा बहुत बग्स है उसको फिक्स कर दिया गया है। तो अगर आपको ये अपडेट मिले तो डेफिनेटली आपको अपडेट कर लेना चाहिए। अब बात करें दोस्तों कि आपके वीवो Y51A में एंड्रॉयड 12 का जो अपडेट है वो कब तक देखने को मिलेगा। तो जो वीवो का रोड मैप है उसके अकॉर्डिंग जनवरी के एंड में वीवो Y51A में एंड्रॉयड 12 का जो अपडेट है वो मिल जाना चाहिए। और कुछ गिने चुने यूजर्स को मिला भी, मगर ये बता दूं दोस्तों, जिन लोगों को मिला है वो बीटा वर्जन के तौर पर है और उसमें बहुत सारे बग्स देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इस मंथ यानी मार्च मंथ में आपके वीवो Y51A में एंड्रॉयड 12 का जो अपडेट देखने को मिलेगा ना, वो स्टेबल अपडेट होगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको बग्स फ्री एंड्रॉयड 12 का अपडेट आपके वीवो Y51A में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।